हेलो दोस्तों, जो आप मेरे बगल में वीडियोस देख रहे हैं वो क्रोसो की है। क्रोसो एक तरह का स्वीट डो होता है जिसमें बटर डाला जाता है, यानी कि जो लेमिनेटेड या लेयरिंग की जाती है बटर से। आप चाहे इसे बुक फोल्ड या फिर आप इसे सिंगल फोल्ड में इसको बना सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर डलता क्या है, इसके अंदर नॉर्मली बटर, शुगर, सॉल्ट, ईस्ट, मैदा, मिल्क पाउडर और एग। अगर आप एग से बनाना चाहते हो एग, नहीं तो आप मिल्क से भी इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे मिल्क यूज़ करते हैं तो ठंडा यूज़ करते हैं, और अगर पानी यूज़ करते हैं तो ठंडा, मतलब कि जो गर्म ना हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों फिर इसको लेयरिंग की जाती है, यानी कि शीट से या फिर इसे हाथ से बेल के इसे वन बाय करके या फिर 3 बार फोल्डिंग मारते हैं, चाहे आप सिंगल फोल्ड मारे चाहे बुक फोल्ड मारे। फिर इस जो को बना के रखने के बाद 2-3 घंटे बाद जब ये सेट हो जाता है तो इसको बाहर निकाल के फिर इसको लंबा बेल के फिर से काटा जाता है। दोस्तों इसका मेन क्रिस्पीनेस आती है। क्रिस्पीनेस इसलिए आती है क्योंकि एक तो आपका डो अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़ जैसे आप डो लगाते हो तो तुरंत उसे बेलते नहीं है, उसे करीबन अराउंड 24 आवर्स या फिर 12 घंटे का रेस्ट देते हैं उस डो को, फिर उसको बाहर निकाल के फिर उसे रोलिंग करते हैं, जिससे कि फिर उसे आपके क्रोसो जो एकदम फ्लेकी आते हैं, यानी कि एकदम खाने में आपको फैन टाइप की या फिर ऐसा कुछ महसूस होता है, बहुत ही क्रिस्पीनेस होती है। दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्तों ये थे जो डिस्कशन जो मैंने आपको क्रोसो के बारे में बताया, लेकिन इससे जो क्रोसो होता है उससे आप क्रोसो भी निकाल सकते हो, डेनिश पेस्ट्री भी निकाल सकते हो। जो डेनिश अलग अलग पेस्ट्री जो बेकरी में काम करते हैं पता होता है कि डेनिश पेस्ट्री क्या होते हैं, एक तरह से वो भी इसी तरह का डो होता है, सेम प्रोसेस ही होता है, बस उसमें उसके थोड़ा सा अलग प्रोसेस ये हो जाता है कि उसका जो शेप होता है वो अलग में आ जाता है, यानी कि उसमें कुछ फ्रूट डाल के कुछ फिलिंग डाल के उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, तो वो डेनिश पेस्ट्री में आ जाती है और ये क्रोसो भी इसी में डो में आ जाता है। लेकिन दोस्तों पेस्ट्री भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फ्लो पेस्ट्री और फ्लेकी पेस्ट्री, मैं इसके चीज़ के बारे में बाद में आपसे डिस्कशन करूँगा। दोस्तों इन्हें क्रोसो बोलते हैं, ये फ्लेकी क्रोसो होते हैं, आप देखिए किस तरह के क्रोसो होते हैं, आप जिस हिसाब से इसे शेप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें फोल्डिंग होती है, जैसे अपने बुक फोल्ड होते हैं ऐसे एक के ऊपर एक फोल्ड होते हैं, इसकी 3 फोल्डिंग होती है क्रोसो की, और ये कुछ इस तरह के क्रोसो आते हैं। दोस्तों इसमें करीबन बहुत ज़्यादा बटर जाता है, मतलब आप ये मान लीजिए 1 किलो में पहले इसके डो में 200 ग्राम बटर जाता है, और इसमें वही अपना शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्योर, ग्लूटेन, ईस्ट, मैदा, ये सब तो बेसिक है। दोस्तों ये क्रोसो हैं जिसमें आलमंड फ्लेक्स लगाए गए हैं, आप देखिए ये अलग अलग फ्लेवर के, जैसे इसमें आलमंड फ्लेक्स लगाए गए हैं, ये भी आलमंड फ्लेक्स वाले हैं, ये भी आलमंड फ्लेक्स वाले हैं। दोस्तों चीज़ वाले क्रोसो हैं, इसके अंदर चीज़ भरा गया हुआ है, आप ये देखिए इसके अंदर चीज़ डाला गया है, ये इसमें चीज़ है, ये वॉलनट है, ये पिस्ता क्रोसो, तो कुछ ये सारे डिज़ाइन के क्रोसो हैं। फिलहाल तो आपको ये वीडियोस कैसे लगी आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, ऐसी फूड नॉलेज के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के। जय हिंद।